धन्य गृहस्थ आश्रम, हमारे शास्त्रों ने कहा धन्य गृहस्थ आश्रम, जिस घर से घर में देव पूजन सूर्यदेव से पहले संपन्न होता है, घर में कोई व्यक्ति सोया ना हो, कोई व्यक्ति घर में ऐसा ना हो कि जिसने सूर्यदेव हो गया और स्नान नहीं किया है अभी तक, सबने भगवान को सूर्यदेव से पहले स्नान करके प्रणाम किया है, जिस घर से याचक वापस न जाए। धन्य गृहस्थ आश्रम, कि जिसके द्वार पर कोई आया है और याचना करता है तो अपने गुजराती में कहिए भूल नहीं तो भूल नहीं पात है, यदि ज्यादा नहीं दे सकते हो जो भी कुछ दे सकते हो आप, कम से कम अपमान तो ना ही करो। पर मुझे तो बिल्कुल मेरा अपमान प्रिय नहीं है, आपको लगे गुरु साधु बन के अपमान प्रिय नहीं है, नहीं मुझे मेरा अपमान प्रिय ऐसा नहीं है, मुझे ये प्रिय नहीं है कोई साधु का अपमान करे, चाहे मेरा हो या तो किसी का, किसी भी साधु का हो, कोई भी साधु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई द्वार पर आया हुआ साधु नहीं है, किसी भिखारी है, जरूरतमंद है, गरीब है, देना हो तो दीजिए, ना दे तो कोई बात नहीं, किसी को अपमान कभी मत कीजिए, मजदूर का भी अपमान मत कीजिए, क्यों अपमान किसी का करना। पर मैं तो मेरे भजन में कहता ही हूँ कि संतों का सम्मान करना चाहिए, याचक का भी सम्मान करना चाहिए। तो धन्य गृहस्थ आश्रम के दिन के यहाँ सूर्यदेव से पहले सभी स्नान करके सफाई करके घर में देव पूजन करते हैं, जहाँ पर सूर्यदेव से पहले देवताओं की स्तुति होती है, और जिसके द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ नहीं जाता है, वो धन्य घर है, वो धन्य गृहस्थ परिवार है। तो आपका परिवार भी गृहस्थ में रहते हो तो गृहस्थ को भी ऐसा धन्य बनाने का प्रयत्न करो, और साथ मिलकर हम प्रयत्न करें, ईश्वर की आराधना करें, पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्तियाँ बढ़ती चली जाए, देवी शक्तियाँ बढ़ती चली जाए, पृथ्वी पर जो दानवीय शक्तियाँ हो कमजोर हो, नकारात्मक शक्तियाँ कमजोर हो, धर्म की स्थापना हो, धर्म का विस्तार हो, और सब धर्म को धारण करे और अपना कल्याण करे। अंत में ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ सबको ऐसी मति शक्ति परिस्थिति क्षमता और आत्मीय जन प्रदान करे, जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण हो, सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने, ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।